वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन संत लोकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय सत्रह पद संख्या सात से दस यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या डोर चरा कर खेत से लौटता है तो तुम में से ऐसा कौन है जो उससे कहेगा आवो तुरंत भोजन करने बैठ जाओ क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो और जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कस कर परोसते रहो बाद में तुम भी का पी लेना क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है तुम भी ऐसे ही हो सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम तो अभी अयोग्य सेवक पर हैं हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है यह प्रभु का सुसमाचार है कृष्ण प्रभु की जय प्यारे मित्रों आज का सुसमाचार यह सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन को सेवा के दृष्टिकोण से देखना होगा यह तीन सवालों के साथ शुरू होता है और अंत में यीशु स्वयं उसका उत्तर देता है यह दैनिक जीवन के लिए दिए गए तीन प्रश्नों का व्यवहार करता है और इसलिए श्रोताओं को उस अनुभव के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए अपने स्वयं के अनुभव पर हर एक को सोचना पड़ता है पहला सवाल यह है आप में से कौन सा एक नौकर की जुताई या बिट चराने के साथ जब खेतों से लौटेगा तो उससे कहेगा आओ और एक ही बार में खाना खाओ सभी जवाब देंगे जी नहीं दूसरा सवाल यह है क्या वह कहने की संभावना नहीं होगी कि मेरा रात का भोजन तैयार करो और तैयार हो जाओ खाने के लिए और पीने के दौरान अपनी पेटी बांधे रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो आप खुद बाद में खा पी सकते हैं सभी जवाब देंगे हाँ निश्चित रूप से तीसरा सवाल क्या उसे उस नौकर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जो उसे बताया काम किया गया था सभी जवाब देंगे जी नहीं जिस तरह से यीशु प्रश्न पूछता है लोग इस बात से अवगत होते हैं कि वह किस तरह से हमारे विचार को उन्मुख करना चाहते हैं वह चाहते हैं कि हम एक दूसरे के सेवक बने सुसमाचार के अंत में यीशु खुद एक निष्कर्ष निकालते हैं जो पहले से ही सवालों में निहित था और वह यह है तो आपके साथ जब आपने वह सब किया है जो आपको करने के लिए कहा गया है तो कहो कि हम अयोग्य सेवक हैं हमने अपने कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं किया है संत मार्कोस अध्याय दस पद संख्या पैंतालीस में यीशु ने स्वयं हमें उदाहरण दिया है जब उसने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं जो कोई भी तुम्हारे बीच पहले होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने संत पौलुस पाला क्रिंतियन के नाम पर अध्याय तीन पर संख्या के से सात कहते हैं मैंने पौधा रोपण किया अपलोस ने पानी दिया लेकिन ईश्वर ने विकास दिया इसमें ना तो प्लानर और ना ही पानी के लिए कुछ भी मायने रखता है केवल ईश्वर जिसने विकास दिया एक और जगह पर संत पॉलस पाला कोरतीन अध्याय तीन पद संख्या सात में कहते हैं पॉल्स और अपोलोस कुछ भी नहीं है केवल सरल उपकरण आयोग्य सेवक केवल वही है जो भगवान को गिनता है वह अकेला है सेवा करना और सेवा कराना यहाँ इस पाठ में सेवक गुरु की सेवा करता है ना कि स्वामी सेवक की जो कोई इस वर्तमान जीवन में ईश्वर की सेवा करेगा उसे भविष्य में जीवन में भगवान की सेवा मिलेगी इसके लिए हम प्रयत्नरत रहे आमेन